पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान 31 मार्च तक कराए इस योजना में रजिस्ट्रेशन, किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाए। पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना के लिए 31 मार्च तक करवाए रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 4,000 रुपये। पीएम किसान योजना नियमानुसार शुरू होने के बाद जो किसान रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें पहली बार एक साथ 2 किस्तें मिलती है। इस तरह उन्हें 4,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकेट न्यूज में, नई दिल्ली। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त किसानों खाते में जमा होने वाली है। इसके लिए मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं किसानों से अपील की जा रही है कि वो अपने खाते को आधार से लिंक जरूर करवा ले। ये काम इसी महीने के 31 मार्च तक होना है। जिन किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं है उन्हें राशि मिलने में परेशानी आ सकती है। साथ ही जिन किसानों ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके पास 31 मार्च 2021 तक का मौका है। अच्छी बात यह है कि जो भी किसान 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें 4,000 रुपये नियमानुसार योजना शुरू होने के बाद जो किसान रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें पहली बार एक साथ 2 किस्तें मिलती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होगी। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पीएम किसान योजना के तहत 3 किस्त में राशि किसानों खाते में जमा की जाती है। पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में और आखिरी किस्त 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस तरह सरकार सालाना 6,000 रुपये किसानों खाते में जमा करती है। अब तक देश में 11.69 करोड़ किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं। आधार से खाते की लिंकिंग इन राज्यों के लिए जरूरी। पीएम किसान योजना के तहत खाते के आधार से लिंकिंग इस बार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, असम के किसानों के लिए जरूरी है, क्योंकि बाकी प्रदेशों के किसान पहले से ही यह काम कर चुके हैं। इन किसानों को दिसंबर 2019 में आधार को खाते से लिंक करवा दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, असम के किसानों के लिए 31 मार्च की तारीख दी गई है। यदि ये किसान ऐसा नहीं करते हैं तो पीएम किसान योजना की राशि जमा नहीं की जाएगी। जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके पास 31 मार्च तक का समय है। जो किसान अब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें 1 अगस्त से 30 नवम्बर के बीच दूसरी किस्त मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021। योजना के शुरुआती दौर में केवल 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को शामिल किया गया था, लेकिन अब सभी किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। आवेदन का तरीका नीचे बताया जा रहा है। जमीन के कागजात जैसे खसरा खतौनी अनिवार्य है। आवेदन करते समय किसान का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य चाहिए। पीएम किसान योजना में कैसे करें आवेदन? सबसे पहले आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.government.in पर जाना होगा। यहाँ आपको फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में जाना होगा। यहाँ आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा जिसमें आपको आधार नंबर मांगा जाएगा। अब आपको आधार नंबर इसमें भरना होगा। अब एक बॉक्स खुलेगा जिसमें चुनने के लिए कहा जाएगा और एक कैप्चा कोड भी इसमें भरना होगा। इसके बाद आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। आप इसमें रूरल गांव के किसान हैं या फिर अर्बन यानी शहरी किसान हैं इसका चुनाव करना होगा। सही चुनाव करने के लिए आपको यस के बटन पर क्लिक करना होगा। अब नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें आपको किसान सम्मान निधि योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। यह फॉर्म आपको पूरा भरना होगा और सही सही जानकारी भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे जमीन से संबंधित दस्तावेज की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें खसरा नंबर, खाता नंबर दर्ज करना होगा और सेव के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।